रुद्रपुर में चंदोला होम्योपैथिक कॉलेज में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभारंभ चंदोला होम्योपैथिक के डीएम ने किया। चंदोला होम्योपैथिक के छात्र छात्राओं ने अपने टीचरों को शिक्षक दिवस पर उन्हें सम्मानित भी किया और छात्रों ने अपने हाथों से भोजन भी बनाकर अपने टीचरों को खिलाया। जो बच्ची व बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ घर में भोजन व संस्कृति प्रोग्राम का भी ज्ञान है, जहां टीचरों ने अपने बच्चों को खुश होकर उन्हें धन्यवाद भी दिया और उन्होंने कहा डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ वह घर के रसोई का काम भी बखूबी निभा रही हैं और बच्चों ने संस्कृति कार्यक्रम भी दिखाए, नृत्य भी किया। बहुत ताज्जुब होता है कि इस 5 तारीख को बच्चों ने जो शिक्षक दिवस मनाया, इन बच्चों ने आज जितने भी हमारे टीचर प्रोफेसर और रीडर्स और मेडिकल अफसर हैं उनको उन्हीं के रूप में प्रदर्शित किया, उन्हीं की तरह ड्रेसअप होके आए, उन्हीं की तरह उन्होंने क्लास में उन्होंने पढ़ाया और सारे टीचरों का सम्मान किया, अपने हाथों से भोजन बना के उनको भोजन कराया तथा उनको इतने प्यार से और इतने अच्छे मन से उनका आदर किया, सत्कार किया। तो मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है कि आजकल के इस युग में ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। काफ़ी धूमधाम से मनाया गया सर मुख्य अतिथि के रूप में थे और हमने सारे शिक्षकों का अपना सम्मान करा, जो कि हमें शिक्षक दिन रात में अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें किस काबिल बनाते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ के डॉक्टरी का डॉक्टर बन के पूरे देश का नाम रोशन कर सकें, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। हर साल इस शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस बार भी हमने अच्छे ढंग से बहुत अच्छे पर्व के रूप में शिक्षक दिवस को मनाया और इसमें हम बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, नाच गाना करा गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम बच्चों ने खुद से अपने हाथों से खाना बनाया, भोजन बनाया और उसको अपने टीचरों को शिक्षकों को, ये हमारे बहुत अच्छी बात है कि हम अपने सम्मान करते हैं। धन्यवाद।